भारत को लेकर हुई एकदम सटीक भविष्यवाणी। क्या भारत के पड़ोसी देश भारत का साथ देंगे? क्या भारत का एक राज्य मुंबई खत्म हो जाएगी? क्या तीसरे वर्ल्ड वार के लिए भारत तैयार है? कब होने वाला है भारत का वर्ल्ड वार? इस मुश्किल घड़ी में कौन सा देश भारत का साथ देगा? भारत को लेकर कौन से मुद्दे पर पहुंचेगा रशिया और अमेरिका? और वो कौन सा महाविनाशक हथियार है जो भारत अपने बचाव में उपयोग करेगा? इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में आपको विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तारीख 14 दिसंबर 1503 को एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिन्हें आज दुनिया के लोग उन्हें नास्त्रेदमस के नाम से जानती है। इनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की अद्भुत शक्ति थी, जिसके दम पर नास्त्रेदमस ने अनेकों भविष्यवाणियां की और उन भविष्यवाणियों को किताब के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया। दोस्तों, इनके किताब में कोरोना महामारी से लेकर इंदिरा गांधी की मौत तक और 1965 में भड़की आग से लेकर 9/11 हमले तक की सटीक भविष्यवाणियां लिखी हुई है। और ये भविष्यवाणियां जिस किताब में लिखी हुई है उसका नाम है लेस प्रॉपर्टीज। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसी ही एक भविष्यवाणी 2024 के बाद वर्ल्ड वार 3 को लेकर भी की गई है। ये तो आप जानते ही हैं कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम और 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। दोनों ही युद्धों में जितनी तबाही देखने को मिली, नास्त्रेदमस के अनुसार उससे भी ज्यादा तबाही वर्ल्ड वार 3 में देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज की जियोपॉलिटिकल हालात को समझे तो ये साफ है कि 2022 में भड़का रशिया और यूक्रेन वार तीसरा विश्व युद्ध की चिंगारी भड़का सकता है, क्योंकि कहीं न कहीं सभी नाटो देश इस युद्ध का हिस्सा है। दोनों ही देशों के बीच युद्ध की आग ठंडी होने का नाम नहीं ले रही है और इसमें दोनों ही देशों का हाथ है। एक तरफ यूक्रेन, जिसे लगातार अमेरिका का समर्थन मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस लगातार फिनलैंड और पोलैंड जैसे देशों के खिलाफ युद्ध करने के लिए अपने प्राइवेट आर्मी को युद्ध के मैदान में उतार चुका है। वहीं प्रशांत महासागर में स्थित ताइवान और साउथ कोरिया को नाटो की तरफ से समर्थन मिल रहा है। बात अगर सबसे बड़े तानाशाह नॉर्थ कोरिया की करे तो अंदर ही अंदर ये देश ने युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत नॉर्थ कोरिया अब तक 40,000 के लगभग परमाणु हथियारों को खरीद चुका है। दोस्तों, इतना ही नहीं, इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिक मिसाइल के जरिए जापान, साउथ कोरिया और ताइवान जैसे देशों की एक्टिविटीज पर नजरें बनाए हुए है, ताकि जब मौका मिले तब इन देशों पर बमबारी कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ताइवान, जापान और साउथ कोरिया पर अमेरिका की मेहरबानी रहती है, जो कि नॉर्थ कोरिया को बिल्कुल हजम नहीं होता। वहीं भारत की बात करें तो देश के लिए खतरा पड़ोसी देश है, जो लगातार चाइना के कर्ज तले दबे जा रहे हैं। पाकिस्तान के ऊपर चाइना का $7.3 बिलियन से भी ज्यादा का कर्जा है और यही हाल रशिया का भी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, और इस तरह से लगातार वही भी उसके तले दबा जा रहा है। अगर कभी भारत पाकिस्तान या भारत चाइना के बीच जंग हो सकती है, और अगर ये जंग शुरू हुई तो सीधा सीधा दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका और रशिया भी इस युद्ध का हिस्सा बनेंगे। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि युद्ध में अमेरिका, रूस या दूसरे देश क्या भारत को सपोर्ट करेंगे? कुछ समय के लिए इतिहास में झांके तो साल 1971 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब वहाँ सोवियत यूनियन का भारत को सपोर्ट मिला था। अगर उस वक्त सोवियत संघ भारत को सपोर्ट नहीं करता तो भारत के लिए यह युद्ध जीतना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, देखा जाए तो तीसरा विश्व युद्ध भारत को इसी सपोर्ट की जरूरत का साथ देगा, लेकिन इस बार रूस भारत को पीठ दिखा सकता है, और इसका पहला कारण है चाइना का कर्ज, जिसके कारण उसे ना चाहते हुए भी चाइना को सपोर्ट करना होगा। और दूसरा कारण है भारत का न्यूट्रल रहना। जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ तब रूस की नज़र भारत पर थी, लेकिन भारत ने न्यूट्रल रहना ही ठीक समझा। तो ऐसा हो सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध में रूस भी भारत को सपोर्ट नहीं करेगा, वह भारत की तरह ही न्यूट्रल रहेगा, लेकिन हो सकता है कि अंदरूनी तरीके से वे मदद कर दे, तो यह मदद भी उसी के लिए फायदेमंद होगी, क्योंकि अगर चाइना का नामो निशान खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा फायदा रूस और दूसरे कर्जदार देशों को ही होगा। ऐसा ही हाल अमेरिका का भी होने वाला है। वह डायरेक्टली भारत की मदद के लिए आगे नहीं आएगा, बल्कि
भारत और चाइना के युद्ध में न्यूट्रल रहने की कोशिश करेगा या फिर हो सकता है कि इनडायरेक्ट तरह से भारत की मदद भी कर सकता है, क्योंकि अगर चाइना का खात्मा हुआ तो फायदा अमेरिका का भी होगा। दोस्तों, इसके अलावा भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भारत के खिलाफ षड्यंत्र का पिटारा खोले रहता है तो उससे उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। वहीं बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव जैसे देशों की बात करें तो यह सब आज चाइना पर आर्थिक तरह से डिपेंडेंट है। श्रीलंका भी कर्ज की रोटी खा रहा है। यही कारण है कि बांग्लादेश का चटगांव पोर्ट, श्रीलंका का हम्बनटोटा और पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भारत के लिए नुकसानदायक बने हुए हैं। वहीं नेपाल का भी कोई खास सपोर्ट नहीं है। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो पड़ोसी देशों की मदद तीसरे विश्व युद्ध में भारत को मिलना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, यानी कि भारत को अकेले ही युद्ध करना होगा। तो क्या भारत इसके लिए तैयार है? दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। 35.7 लाख से ज्यादा भारत के पास आर्मी ऑफिसर, 13.2 लाख से ज्यादा रिजर्व ऑफिसर, 2.50 लाख से ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस, 20 लाख से ज्यादा रिवर्स पर्सनल ऑफिसर हो, लेकिन अभी भी इंडियन आर्मी को 1.55 लाख से भी ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। पूरे भारत में सिर्फ 38 आरपी के डिविजन है, जबकि सिर्फ पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर ही हमें 42 डिविजन की जरूरत पड़ेगी। अगर म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल जैसे बॉर्डर्स पर भी भारत को लड़ने की जरूरत पड़े तो हमें टोटल 72 डिविजन्स की जरूरत पड़ेगी, जो कम से कम है, जबकि हमारे पास आरपी सिर्फ 38 है, जो कि काफी नहीं है और ये भारत की हार का कारण बन सकती है। और सिर्फ आर्मी ही क्यों, भारत की एयरफोर्स के साथ सेम यही प्रॉब्लम है। चाइना फ्रंट पर लड़ने के लिए हमें कम से कम 60 फाइटर स्क्वाड्रन की जरूरत है। इस लिहाज से ड्रोन युद्ध में हम अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो कि सबसे कमजोर है, उससे भी पीछे हैं। अगर बात करें चाइना की तो एडवांस हथियारों की खेप के मामले में चाइना सबसे आगे नजर आता है। उसके पास 5वीं जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, जबकि भारत ने अपने पास ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को तैयार नहीं कर पाया है। अभी भी सालों का वक्त इसमें लगने वाला है। इंडियन नेवी भी सुविधाएं कुछ खास नहीं रखती। बेशक इंडियन नेवी में 1.60 लाख से ज्यादा ऑफिसर सैनिक है, लेकिन फिर भी इंडियन नेवी अभी बहुत पीछे है। दोस्तों, इसके अलावा मरीन और सबमरीन की संख्या भारत के पास बहुत कम है। हमारे पास कुल सबमरीन 16 है, यानी भारत इन चीजों में कमजोर है, लेकिन फिर भी भारत जीत सकता है, क्योंकि भारत के सोल्जर्स का जज्बा बहुत ही दमदार है। जबकि चाइना में किसी भी सोल्जर्स के सेना में शामिल होने के पीछे उसकी खुद की मर्जी नहीं होती, बल्कि उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। वही भारत का हर सैनिक भारत माँ के लिए लड़ता है, अपने परिवार, अपने देश के लिए लड़ता है, जो आखिरी सांस तक देश का जज्बा अपने सीने में लिए चलता है। दोस्तों, आगे आपकी इस युद्ध के बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।